नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल दीपेश गुरु में। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आप सभी को पता है कि अब स्कूल में अतिथि शिक्षक की और कंप्यूटर स्ट्रक्चर की नियुक्ति होना संभव है, ठीक है, क्योंकि 100% हर बार होती हो, इस बार भी होगी क्या? इस बार आपको जो है वो BEd DEd आपको लाना ज़रूरी है क्या? कंप्यूटर स्ट्रक्चर की नियुक्ति होगी या नहीं? जैसे पिछली बार हमने जो वीडियो डाला था उसमें अब आपके काफ़ी सारे कमेंट आ रहे थे कि सर हमें बताइए कंप्यूटर स्ट्रक्चर की नियुक्ति कहाँ कहाँ होना है, आदेश कब तक आएगा और गेस्ट की कब तक भर्ती होगी, इसमें आवेदन कब तक हो सकता है। हमें एक फुल वीडियो बनाकर बताइए जिसमें हम आप बताइए कि हम स्कोर कार्ड किस प्रकार से बनवा सकते हैं नया। तो उसकी जैसे ही वेबसाइट, अभी ऑफिशियल वेबसाइट उसकी बंद है नया पंजीयन की, जैसे ही कोई अपडेट आते हैं हम आपको सबसे पहले जानकारी देंगे। और मैं आपको बता दूं कि हमारे यूट्यूब चैनल होने के साथ साथ हमारी एक वेबसाइट भी है जिसका नाम है Go News 24। Go News 24 लिखकर आप जैसे सर्च करेंगे आपको यहाँ पर हमारी ऑफिशियल वेबसाइट दिख जाएगी। यहाँ पर आपने अभी तक हमारी ऑफिशियल वेबसाइट को फॉलो नहीं किया है तो यहाँ पर आपको फॉलो का ऑप्शन दिख जाएगा, इससे ज़रूर फॉलो करिएगा। इसमें आपको लेटेस्ट भर्तियों की जानकारी यहाँ पर मिलती रहती है। तो दोस्तों, जैसे कि हमने बताया था कंप्यूटर स्ट्रक्चर के लिए GFMS पोर्टल से भेद SH2 IT नया स्कोर कार्ड कैसे बनवाए, तो ये पुराना पोर्टल था, आप इसे देखकर समझ सकते हैं। और आवेदन कैसे करें कंप्यूटर स्ट्रक्चर के लिए, तो ये सभी जानकारी आज आपको देने वाला हूँ कि आप किस प्रकार से देख सकते हैं कि आपके गेस्ट फैसिलिटी में किस सब्जेक्ट में कितने पद खाली है, कौन कौन सी स्कूल में खाली है, ये सभी आपको मैं बताने वाला हूँ। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर आ जाना, आप खुद से अपने मोबाइल पर भी देख सकते हैं। सबसे पहले आपको क्रोम ब्राउजर गूगल ओपन कर लेना, यहाँ पर आपको GFMS लिखकर सर्च कर देना, अतिथि शिक्षक प्रबंधन प्रणाली गेस्ट टीचर मैनेजमेंट, ठीक है। इस पर आपको पहली वेबसाइट पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर अगर आप ना नया पंजीयन करना चाहते हैं तो यहाँ नया पंजीयन पर जैसे क्लिक करेंगे तो आपको एक एरर देखने को आ जाएगा। वो एरर क्या है, थोड़ी देर में यहाँ पर लोडिंग चल रही है, हम आपको बता देते हैं। ये देखिए, नवीन आवेदनों के लिए पंजीयन की सुविधा आगामी आदेश तक बंद कर दी गई है। जैसे ही कोई यहाँ पर अपडेट आता है आपको जरूर से हम प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। तो दोस्तों, अगर आपने पहले ही रजिस्ट्रेशन किया है और इसका स्कोर कार्ड अभी तक अपडेट नहीं किया है तो उसका हम नेक्स्ट वीडियो लेकर जरूर आएंगे। आप जितने ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट हो सके, आपको जो जानकारी चाहिए आप जरूर कमेंट करिए। और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हम प्रत्येक जिले बार या प्रत्येक ब्लॉक बार आपको रिक्तियां बताएंगे, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको सभी जानकारी देखने को मिल जाएगी। अतिथि शिक्षक है तो संभावित रिक्तियां यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है। डाइस कोड के माध्यम से आप देख सकते हैं संभावित रिक्तियां, जिले वार देख सकते हैं आप, ठीक है, ब्लॉक वार देख सकते हैं या विषय वार। तो हम चलिए आपको सभी, आप अपने निवास के आसपास की शालाओं उनमें संभावित रिक्तियां मेप पर भी देख सकते हैं। अल्पकालीन रिक्तियां जो कि कुछ ही समय के लिए यहां पर उपस्थित रहती है रिक्तियां, वो भी आप देख सकते हैं। तो यहां पर आप मेप वार देखना चाहते हैं तो मेप वार देख सकते हैं दोस्तों। तो यहां पर हम विषय वार देखना चाहेंगे तो विषय वार आप क्लिक कर लीजिए। यहां पर आपको अपना डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट कर लेना, तो यहां पर हमने अपना डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट कर लिया। ब्लॉक सिलेक्ट कर लेते हैं, ब्लॉक सिलेक्ट कर लिया। स्कूल टाइप, कौन से स्कूल में पढ़ाना चाहते हैं, पहली से पाँचवीं या पाँचवीं से आठवीं या नौवीं से दसवीं या ग्यारहवीं से बारहवीं, तो यहाँ पर हम छठवीं सातवीं वो सॉरी छठवीं से आठवीं तक करते हैं। कौन से सब्जेक्ट में पढ़ाना चाहते हैं, तो यहाँ पर हम आठ अगर दबा देते हैं आठ से, तो आठ पे ठीक है, आठ पे देख लेते हैं। उसके बाद हम वैकेंसीज पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका कोई रिकॉर्ड नहीं है आर्ट्स का, तो हम चलिए दूसरा देख लेते हैं। कॉमर्स का हम देख लेते हैं, यहाँ पर आप जिस भी सब्जेक्ट की देखना चाहते हैं, हिंदी इंग्लिश जिसकी भी देखना चाहते हैं, यहाँ पर आप दिखकर यहाँ पर आपको कैप्चा फिल कर देना, उसके बाद इस पर क्लिक कर देना। उसके बाद यहाँ पर आपको पूरी प्रोसेस बताते हैं, जैसे कि आप अगर ब्लॉग वार देखना चाहते हैं तो ब्लॉग पर क्लिक कर दीजिए। ब्लॉग पर क्लिक करने के बाद आपको अपना डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करना है, डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट सिल जिले वार देखना चाहते हैं डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पर हम अपना कैप्चा फिल कर देते हैं, ठीक है। कैप्चा फिल कर आप जैसे ही व्यू पर क्लिक करेंगे आपके सामने जो पूरी डिटेल है वो यहाँ पर खुलकर आ जाएगी। जैसे कि यहाँ पर हम ब्लॉक में देखना चाहते हैं तो हरदा ब्लॉक में कितने हैं, तो कार्यरत अतिथि शिक्षक कितने हैं अभी 65, और कुल रिक्तियाँ कितनी है वर्ग एक की 91। दो में वर्ग दो में कितने रिक्त पद खाली हैं, एक 188 और कार्यरत अतिथि शिक्षक 122, ठीक है।
और वर्ग तीन में 73 पद खाली हैं और टोटल कार्यरत अतिथि 40 है। कुल रिक्त पद यहाँ पर हरदा जिले की वो सॉरी हरदा ब्लॉक की बात करें तो 375 हैं, और अगर हम खिड़कियाँ की बात करें तो 1561 है और 458 कहाँ पर है टिमरनी में। तो यहाँ पर ब्लॉक वार यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार से आप अपने ज़िले में अपने ब्लॉक में अपने सब्जेक्ट वाइज डाइस कोड वाइज यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कौन से सब्जेक्ट पर खाली है। और अगर आप सीएम राइस स्कूल की रिक्तियाँ जानना चाहते हैं तो सीएम राइस स्कूल पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर आपको अपना डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट कर लेना है। डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपको जो है वो कैप्चा फिल कर देना है। कैप्चा फिल करने के बाद आपको व्यू पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको टोटल यहाँ पर जो है वो रिक्तियाँ देखने को मिल जाएगी। डाटा एंट्री ऑपरेटर की यहाँ पर आप देख सकते हैं कि डाटा एंट्री ऑपरेटर में तीन पद हैं, तीन पद डाटा एंट्री ऑपरेटर में, जिसमें वर्किंग जीरो है, टोटल तीन की वैकेंसी है, वो गेस्ट ज्वाइन जीरो है। मतलब इसमें डाटा एंट्री ऑपरेटर की पूर्णतः खाली है हरदा जिले में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि तीन पद है, तीन सीएम राइस स्कूल है, यहाँ पर आप तीन व्यक्ति यहाँ पर आवेदन इसमें कर सकते हैं। तो किस प्रकार से आवेदन करना है उसकी भी जानकारी हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे। और जिसने अपना स्कोर कार्ड पहले से जनरेट करके रखा है उसमें अगर कुछ चेंजेस करना है तो ज़रूर से ज़रूर कमेंट करिए। आपको स्कोर कार्ड से संबंधित जो भी समस्या आ रही है आप हमें कमेंट कर ज़रूर बताइए, छोटी से छोटी प्रॉब्लम आपकी सॉल्व की जाएगी। तो इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो लेकर आप सल से मिलेंगे। चैनल पर हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, आपका सपोर्ट ही हमारा विश्वास है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।